zoomtv.in. वैसे तो इमरान है द लीस्ट कंट्रोवर्शियल खान ऑफ देम ऑल, पर इस गोल्डन बॉय के सुपरस्टारडम के साथ आती हैं कुछ सुपर कंट्रोवर्सीज भी। Perhaps प्रियंका चोपड़ा has some खुन्नस अगेंस्ट मी। और इन कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करने से पहले हम आपको बता दें कि यही है उनका अगला स्टारडम और नंबर 7। पिछले कुछ दिनों से टैब्लॉइड्स में खबर छप रही है कि कटरीना कैफ संजय गढ़वी की फिल्म 7 Days in Paris को बाय बाय कहना चाहती है, ऑल थैंक्स टू इमरान खान कॉन्स्टेंट इंटरफेरेंस इन द स्क्रिप्टिंग। एक और डायरेक्टर है जो शायद इमरान की वजह से मुश्किल में पड़ गया है, कुणाल कोहली जो है वन टाइम फिल्म क्रिटिक टर्न डायरेक्टर कुणाल कोहली। इन्हें किया गया क्रिटिसाइज जब ही अलेजेडली ऑफर द सेम स्क्रिप्ट टू बोथ इमरान खान एंड रणबीर कपूर। ये रिपोर्ट्स आते रहते हैं, यू कांट टेक इट सीरियसली। इमरान को ये बात लगी हाईली अनप्रोफेशनल और उन्होंने अपना डिसप्लेजर छुपाया नहीं। एंड स्पीकिंग ऑफ रणबीर, इन बेस्ट बॉडीज को भी बॉलीवुड की चकाचौंध ने कर दिया बेगाना जब इनकी टू वे फ्रेंडशिप में आई एक थर्ड पार्टी, दैट टू इन द फॉर्म ऑफ इमरान्स फियांसे अवंतिका। माना जाता है कि शी क्रिटिसाइज हिज परफॉर्मेंस इन राजनीति और रणबीर ने लिया बदला बाय कटिंग ऑफ कम्युनिकेशन एंड ही स्किप्ड द प्रीमियर ऑफ इमरान्स क्लोज टू हार्ट फ्लिक आई हेट लव स्टोरीज। मैं रणबीर को जानता हूँ, he's a very nice guy and I would like to work with him. We have talked about working together. इमरान के मामू की रिलीज पीपी लाइव से भी रणबीर रहे गायब। इमरान ने अपना बदला लिया रणबीर की एक्स दीपिका पादुकोण से जब ब्रेक के बाद के सेट्स पर उन्होंने रणबीर के नाम से उन्हें काफी चढ़ाया। ये रिपोर्ट्स आते कहां से हैं? लेकिन बिल्कुल इसमें कोई सच नहीं है। Well, अभी तो इमरान के करियर की शुरुआत ही हुई है, आगे देखते हैं कॉन्ट्रोवर्सीज कहाँ तक जाती है। तब तक के लिए वो है अ पार्ट ऑफ स्टारडम एट नंबर 7।